सबके में शुक्र के सजदे में शुक्र के सा कोई मर्द बाखुदा पड़ता था कोई हुज़्न से कुरान कोई दुआ ना थे नबी कहीं की कहीं हम देखे बुरिया और मौला उठा के हाथ ये करते थे इंतजार फाखों में तश नकामियों गुर्बत पर रहम कर या रब मुसाफिरों की जमात पर रहम कर क्या आलम था चारों तरफ के दाही की इल्तिजा की मुनाजात थी हर एक तरफ इबादतें हैं एक तरफ नूर है एक तरफ कुफर है शायद कितनी कम लफ्जों में नज़्म किया है कि दाही की इल्तिजा की मुनाजात की इधर वहां सब कशीयो जुल्मो ताज्जियो शोरो शर कहता था इब्ने साद ये जा जाके नहर पर के घाटों से होशियार तराई से बाखबर दो रोज से है अशना कहानी हुसैन को हाँ मर्द दम भी पीजो ना पानी हुसैन को मैंने तर्क कर दिए वो बन बस मंदिर की तरफ बहुत तेजी से लाना चाह रहा हूं मुमकिन है कि जब तार की वजह से यहीं पर कुछ बेरब हो जाए के लिए मैं माजत चाहता हूं कि अब्बास आए हाथों को जोड़े हुजूर शाह मैं उस मंदिर में ले आया कि अब मेरा मौला जंग के लिए बेचैन है चाहता है कि इन्हें जंग मुझे मिले और मैं दिखा दूं कि अली की ख्वाहिश क्या थी मेरे बाबा ने मुझे परवरिश में क्या दी थी क्या तरबियत दी थी मैं इसी दिन के लिए मुझे पाला था कि जब मेरे आका को खोए तो मैं मैदान का सारा हुए अपना सर अपने आका के सामने लेकिन हाय इस अली के शेर को जंग की रजा न मिली बार मरा तो मंदिर चलाया अब्बास आए हाथों को जोड़े हुजूर शाह जाओ इनके पास ये बोला वो भी बोला जैनब बहुत कलम ये आई बल तो जा बोले निशान को ले के जो है अर्श बादार इनकी खुशी वो है जो रजा पंजतन की है वो भाई लो अरब ये अनावयत बहन की है तो रख कर अलम पहाड़ झुका वो फलक पार हम शीर के कदम पर मदामू बहार जैनब बनाए ले Oh, my God.
का मकान